वेलकम स्टूडेंट्स टू राबेल अकेडमिक इंग्लिश आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ जो टॉपिक शेयर करूँगी उसके नाम है सी वी वट इज ए सी वी एंड डिफ्रेंस बिटवीन सी वी एंड रिज्यूमे तो लेट स्टार्ट सी वी क्या है नॉर्मली जो है आपने ये वर्ड सुना भी होगा जब कोई जॉब के लिए अप्लाई करता है तो सी वी लेके जाता है ठीक है ये क्या है इसको हम देखते हैं सी वी स्टैंड फॉर करिकुलम विटाई सी वी Uh, जो जिस वर्ड से निकला है वो है करिकुलम विटाई करिकुलम का सी और विटाई का वी विच इज़ अ लैटिन वर्ड ये एक लैटिन वर्ड है इट मीन्स इसका मतलब है कोर्स ऑफ लाइफ कोर्स ऑफ लाइफ का मतलब जिंदगी का जो है पीरियड जिंदगी का अरसा सीवी सी वी कैन बी ऑफ टू और मोर पेजेस। सी वी ए दो या दो से ज़्यादा पेजेस की हो सकती हैं इन कंटेन्स अ हाई लेवल ऑफ डिटेल्स अबाउट वंस अचीवमेंट्स और उसमें किसी की भी अचीवमेंट्स के बारे में बहुत डिटेल होती है हाई लेवल ऑफ़ डिटेल्स उसमें ज़्यादा डिटेल होती हैं जो बंदा भी अपनी सीवी बनाएगा वो दो या दो से ज़्यादा पेजेस पर हो सकती हैं और उसमें काफ़ी ज़्यादा डिटेल होती हैं और सी वी कवर्स यर एजुकेशन एज वेल एज एनी अदर अकम्पलिशमेंट सी वी को एजुकेशन को भी कवर करता है तमाम एजुकेशन को कि कितना कितना जो है किसी ने पढ़ा है और कहाँ से पढ़ा है किस साल पढ़ा है वगैरह वगैरह एज़ वेल एज़ एनी अदर अकाम्पलिशमेंट्स और एजुकेशन के अलावा अगर कोई और चीज़ किसी बंदे ने अचीवमेंट्स की हो किसी और चीज़ हासिल की हो जैसे पब्लिकेशन अवार्ड ऑनर एट्सट्रा जैसे उसका कोई रिसर्च पेपर जो है वो पब्लिश हुआ हो या जैसे उससे कोई अवार्ड हासिल किया हो कोई पोजिशन हासिल की हो कोई ऑनर जो है उसको मिला हो मतलब कोई भी जो है उसने कॉम्पिटिशन में हिस्सा लिया हो उसने वो जीता हो कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ आ, या करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी अगर उसने कोई अच्छी जो है पोजीशन हासिल की है कोई अवार्ड कोई ऑनर हासिल किया है तो सीवी में जो है वो भी मेंशन होगा एजुकेशन के साथ डिफरेंस बिटवीन सीवी एंड रे सी में यहाँ पर मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहती हूँ सी वी कैन बी टू ऑफ मोर पेजेस यहाँ पर शायद जो है आप लोगों ने ए सी जो है देखी होगी नॉर्मली हमारे हाँ जो होती हैं वो एक पेज की होती हैं ठीक है वो ज़्यादा लंबी नहीं होती है लेकिन उसमें ये सब कुछ कवर हुआ होता है असल में बाहर के मालिक में सीवी जो है इस तरह होती है जहाँ पर ये है दो या दो से ज्यादा पेजेस लेकिन हमारे यहाँ हम उसे सीवी ही कहते हैं लेकिन हम उसको एक पेज की ही बनाते हैं ज़्यादा जो है हम उसको लंबा नहीं करते हम उसको शॉर्ट रखते हैं क्योंकि ज़ाहरी बात है जो बंदा देखता है उसके पास इतना टाइम नहीं होता उसके पास ज़्यादा सीवीज़ होती हैं कि वो तमाम सीवीज़ दे सके नॉर्मली हमारे यहाँ ये एक पेज की होती है लेकिन वो फिर भी सी ही कहलाती है ये क्यों ये मैं आगे जाकर आपको डिफरेंस में एक्सप्लेन करती हूँ फिर डिफरेंस बिटवीन सी वी एंड रिज्यूमे सी वी और रिज्यूमे में क्या फ़र्क है आपने शायद रिज्यूमे का नाम भी सुना हो हमारे यहाँ सिर्फ सी वी का नाम चलता है ठीक है जो, जो एशिया है इस साइट पर जो है हम सी वी सी वी ही यूज़ करते हैं रिज्यूमे यूज़ नहीं करते क्योंकि यूरोप में बास कंट्रीज़ में रिज्यूमे यूज़ होती है और बाद में सी वी और बाद में दोनों यूज़ होते हैं इसमें हम देखते हैं कि क्या फ़र्क है द मेन डिफरेंसेज बिटवीन सी वी एंड रिज्यूमे आरगे वन बिलो इसके जो मेन डिफरेंसेज है वो नीचे दिए गए हैं a cv contains a full record of an individual's education and career while a resume is a brief targeted list of skills and achievements cv may किसी भी इंडिविजुअल का कंप्लीट रिकॉर्ड होगा एजुकेशन का और उसके करियर का मतलब उसने जो पिछला जॉब एक्सपीरियंस है वो भी जो है उसमें सारा मेंशन होगा एजुकेशन भी सारी की सारी मेंशन होगी वाला रिज्यूमे इज़ अ ब्रीफ टारगेटेड लिस्ट ऑफ स्किल्स एंड अचीवमेंट जबकि रिज्यूमे में जो है जो स्किल्स एंड अचीवमेंट्स होगी वो बहुत ब्रीफ होगी और टारगेटेड होगी इसका क्या मतलब हुआ वो मैं आपको बताती हूँ फॉर एग्जाम्पल आप जो है कंप्यूटर की पोस्ट के लिए कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आप इसके लिए रिज्यूमे बना रहे हैं तो ब्रीफ़ होगा और टारगेटेड टारगेटेड का मतलब आपके जो कंप्यूटर के हवाले से एजुकेशन है आप उसको हाईलाइट करेंगे उसको पहले मैंशन करेंगे कि मैंने कंप्यूटर में ये वाला कोर्स किया ये चाहे वो कोर्स आपने कभी भी जिंदगी में किया हो आगे किया हो पहले किया हो दरमियान में किया हो लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर्स होगा कंप्यूटर के हवाले से आप पहले वो मैंशन करोगे आपने बी कंप्यूटर साइंस किया या एम कंप्यूटर कम्प्यूटर साइंस सी कंप्यूटर साइंस किया आप पहले वो मेंशन करोगे जो आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगे जिसकी ज़्यादा वैल्यू हो ठीक है अगर इसके साथ आपने फॉर एग्जांपल कोई टीचिंग कोर्सेज किए हों आप उसको मेंशन ना नहीं करेंगे रिज्यूमे में क्योंकि वही ब्रीफ होता है सीवी में सब कुछ होता है अब सीवी क्या है वो हर जॉब के लिए एक ही होती है आप एक सीवी बना लेते हैं उसमें अपना सब कुछ लिख लेते हैं जिस जॉब में भी जाएं आप वही एक सीवी पेश करेंगे चाहे आप टीचिंग के लिए अप्लाई करते हो या कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए या ऑफिस असिस्टेंट के लिए एक ही सीवी होगी उसमें सब कुछ होगा रिज्यूमे में क्या है आप जॉब के मुताबिक उसको चेंज करते हो अगर कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब है तो आप डिफरेंट रिज्यूमे बनाओगे अगर टीचिंग की जॉब है तो आप डिफरेंट रिज्यूमे बनाओगे अगर आप टीचिंग की जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो आपको जो है ज़रूरी नहीं है कि आप दूसरे स्किल्स भी आपने मैंशन करें आप जस्ट अपने टीचिंग के स्किल्स मैंशन करें तो ठीक है इसलिए रिज्यूमे जो है वो शॉर्ट है टारगेटेड है जो आपकी जॉब uh, स्पेसिफिकेशन है उसके मुताबिक जो है आप मैंशन करते हो स्किल्स एंड अचीवमेंट जो आपकी स्किल्स हैं uh, जो आपको आता है जो आपके अचीवमेंट्स हैं जो कोर्सेज़ आपने किए हैं आप वो सिर्फ वो मेंशन करोगे अपनी जॉब के हवाले से अ सी वी इज़ लॉन्गर देन रिज्यूम रिज्यूमे अब जाहिर बे तो बात तो क्लियर हो गई कि रिज्यूमे में तो आप सिर्फ उस जॉब के मुताबिक अपनी स्किल्स और अचीवमेंट्स मेंशन करते हो और सी वी में तो सब कुछ होता है इसलिए सी वी इज लॉन्गर देन अ रिज्यूमे है सी वी जो है वो रिज्यूमे से लंबी होती है रेज्यूम ए कवर्स वन पेज रिज्यूमे में एक पेज को कवर करता है वाले सी वी कैन बी ऑफ टू और मोर देन टू पेजेस जबकि सी वी जो है एक या दो पेजेस से ज़्यादा हो सकती है इसीलिए हमारे यहाँ शॉर्ट सी वी यूज़ की जाती है क्योंकि हमारे यहाँ जो है लोग इतना ज़्यादा हर जॉब के लिए जो है अपनी सी वी चेंज नहीं कर सकते वो रिज्यूमे एक जो है हम हमारे यहाँ कुछ इस तरह का है कि मुश्किल है कि लोग जो हैं हर जॉब के लिए जो है वो आ, उसको चेंज करें क्योंकि एक बंदा जो है वो ढेर सारी जॉब्स के लिए अप्लाई करता है तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है इसलिए हम सी वी तो यूज़ करते हैं लेकिन सी वी को हमें बहुत ज़्यादा लंबा नहीं रखा होता ठीक है सी वी क्रोलोलॉजिकली अरेंज वालूमेशन कैन बी शफल अराउंड टू बेस्ट सूट द एप्लिकेंट जो फर्स्ट फर्स्ट पॉइंट अगर आप उसको समझ लें तो ये सारे आसान हो जाते हैं सी वी क्रोनलाजिकली क्रोनोलॉजिकली मतलब वक्त के लिहाज से वो ऑर्डर में होता है टाइम के लिहाज से सी में क्या होता है जो अपनी सबसे आखिरी एजुकेशन होती है लेटेस्ट एजुकेशन होती है आप उसको पहले मैंशन करते हो फॉर फाम्पल किसी ने जो है बी किया है तो वो बी को पहले मैंशन करेगा उसके बाद अपनी जो है एफ एफ एस सी को मैंशन करेगा उसके बाद मैट्रिक को मैंशन करेगा जिस तरह भी ए ओ लेवल्स वगैरह होते हैं सबसे लेटेस्ट एजुकेशन पहले और उसके बाद जो है वो पीछे वाले एजुकेशन ये सी की इस तरह अरेंज होते हैं रिज्यूमे से इन्फॉर्मेशन कैन भी शफफ़ल अराउंड टू बेस्ट सूट द एप्लिकेंट अब ये तो क्लियर है कि रिज्यूमे की इन्फॉर्मेशन को हम आगे पीछे कर सकते हैं जैसे कि मैंने आपको ऊपर फर्स्ट पॉइंट में भी बताया था कि अगर आप कंप्यूटर की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब के लिए तो फिर आपने अपनी कंप्यूटर की जो सबसे इंपॉर्टेंट आपको अपना जो है अचीवमेंट लगती है वो पहले मैंशन करोगे चाहे आपने उसको जिंदगी के कि कि किसी दौर में भी हासिल किया हो तो ये आ, उस पर डिपेंड करता है आपकी जॉब पर डिपेंड करता है एप्लीकेंट एप्लीकेंट का मतलब एप्लीकेशन देने वाले पर डिपेंड करता है जिस तरह उसको अच्छा लगता है जिस तरह उसको जो है लगता है किस तरह मेरी रिज्यूमे ज़्यादा अच्छी होगी इंप्रेसिव होगी इस तरह वो अपनी इन्फॉर्मेशन को आगे पीछे कर सकता है सी वी स्टेटिक वाल अर्ज्यूमिंग नीड्स टू भी चेंज फॉर एवरी जॉब दिस इज़ वेरी क्लियर कि चूंकि सी में तो सब कुछ है तो स्टेटिक है आप उसको हर जगह भी जो आ सकते हो फिर वो आ, जो, जो जो आपका एम्प्लॉयर होगा जो जॉब देने वाला होगा वो खुद ही अपने मतलब की इंफॉमेसन उसमें देख लेगा वाल अर्ज्यूमर नीड्स टू भी चेंज फॉर एवरी जॉब जबकि रिज्यूमे जो है वो हर जॉब के लिए जो है वो अलग अलग चेंज होती हैं सो दिस इज़ ऑल अबाउट डिफरेंस बिटवीन सी वी एंड रिज्यूम होपफुली आपको क्लियर हुआ होगा थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो